जी हाँ, महाभारत के कृष्ण एक्टर नीतीश भारद्वाज का भी शादी के 12 साल बाद तलाक हो गया है। महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश ने तलाक के बाद मीडिया से बातचीत की है। एक्टर ने बताया कि साल 2019 में उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। नीतीश से जब उनके तलाक पर आगे सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि कभी कभी तलाक मौत से ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि आपको ऐसे रहना है जैसे किसी ने आपका कोई अंग काट दिया हो। बता दें कि नीतीश की पत्नी स्मिता IAS ऑफिसर है और उनकी दो जुड़वा बेटियां भी हैं। फिलहाल दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ रह रही हैं। जब एक्टर से तलाक की वजह पूछी गई तो एक्टर ने इस पर कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया और ये कहते हुए अपनी बात खत्म की कि किसी भी रिश्ते के टूटने की अलग अलग वजह हो सकती है। कई बार आपको आपके पार्टनर की एटीट्यूड समझ नहीं आता, कई बार आप में कंपैशन नहीं होता, कई बार आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, इसी के चलते रिश्ते बिखर जाते हैं। लेकिन इन रिश्तों में सबसे ज्यादा बच्चों को पिसना पड़ता है। इस बयान के आगे कुछ भी बोलने से एक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया। वेल, उम्मीद है कि एक्टर नीतीश भारद्वाज जल्द से जल्द इस गम से उभरे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे। फाइनल कॉट न्यूज डेस्क।